लाहौर में मकान तोड़ने पर मामला गर्मा गया है। मामले में सीएमओ को निलंबित कर दिया गया है। वहीं ग्वालियर चंबल कमिश्नर आज लाहौर आए और मौके पर जाकर जांच की। मामले को लेकर बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें पूर्व विधायक और पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष, प्रदेश कार्य समिति सदस्य मौजूद रहे। बीजेपी ने बताया कि कांग्रेस के जरिए अत्याचार किए जा रहे थे, जिसके खिलाफ हमने मिलकर आवाज उठाई। अगर आगे लाहौर विधायक के जरिए कोई भी गलत काम किया जाता है तो फिर हम आवाज उठाएंगे और एक साथ मजबूती से लड़ेंगे। गलत तरीके से नगर पालिका की परमिशन होते हुए, कोर्ट के स्टे होते हुए भी एक गरीब व्यक्ति पर, एक पिछड़ा वर्ग के व्यक्ति पर, असहाय व्यक्ति पर अत्याचार किया है। और इस बार लाहौर क्षेत्र की जनता ने और हम सभी लाहौर क्षेत्र के जो नेता हैं, सब ने संगठित होकर के जिस तरीके से इस अत्याचार का विरोध किया है और इस अत्याचार में सभी ने जो सहयोग किया है, निश्चित तौर पर अधर्म पर धर्म की विजय हुई है, असत्य पर सत्य की विजय हुई है, बेईमानी पर ईमानदार की विजय हुई है। और ऐसे ही अभी तो ये अंगड़ाई है और आगे चल के जो अत्याचार का किला है, जो अधर्म का किला है, जो असत्य का किला है, ये बहुत जल्दी ढहने वाला है और बहुत जल्दी इसकी सुगवाहट शुरू हो चुकी है। इसकी सीढ़ी, प्रथम सीढ़ी शुरू हो चुकी है और अंतिम सीढ़ी बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगी। अन्याय अत्याचार के विरोध में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने झंडा पुलंद किया, मोहल झा किया, उसमें जो अभूतपूर्व सहयोग मिला जनता का, उसके लिए हम उनके आभारी हैं। और हम ये अपेक्षा करते हैं कि इस तरह के अन्याय अत्याचार का जब भी झंडा हम लोग उठाएंगे तो जनता हमारा इसी तरह से सहयोग करती रहे, इसके लिए हम उनकी बहुत बहुत प्रशंसा करते हैं। क्या होगा आइंदा कभी भी लाहौर के लोगों के साथ कांग्रेसी कोई अन्याय और अत्याचार करते हैं तो हम सभी लोग इसी तरह से संगठित होकर उनका सामना करेंगे और उनके अत्याचार से जनता की रक्षा करेंगे।